देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है गोहाना से निकल कर आ रही है, जहां पर पुरानी अनाज मंडी में बने एक सुनार की दुकान पर लूट करने की कोशिश की गई और जो कि विफल हो गई। बता दें कि गोहाना की पुरानी अनाज मंडी में गर्ल्स स्कूल के पास बने आर रतन ज्वेलर्स की दुकान पर लूट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लुटेरे थे वो विफल हो गए। जी विफल हो गए। गोहाना सिटी जो है पुलिस जो है मौके पर अब पहुंच चुकी है और आगे की छानबीन जो है तेज कर दी गई है। बताया गया है कि 3, 3:30 और 4 बजे के आसपास का ये मामला जो है पूरा बताया गया है, जहां पर पुरानी अनाज मंडी में गर्ल्स स्कूल के सामने बने आर रतन ज्वेलर्स की दुकान पर 3 नकाबपोश जो है एक बाइक पर सवार होकर आते हैं, जहां पर एक साथी जो है बाइक पर बाहर खड़ा हो जाता है और 2 नकाबपोश जो व्यक्ति हैं वो दुकान के अंदर घुसते हैं, और जहां पर दुकानदार जो है अकेला था और वहां पर 2 से 3 महिला जो है पहले ही खरीदारी के लिए पहुंची थी, जहां पर युवकों के द्वारा दुकानदार से कहा कि आप सोने की अंगूठी दिखा दी जाए, लेकिन जो है दुकानदार ने कहा कि ये आप सामने जो देख रहे हैं यहाँ पर अंगूठियाँ हैं आप देख सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ी देर के बाद जो है उन लुटेरों ने जो है दुकानदार की कनपट्टी पर जो है पिस्तौल लगा दी जाती है और कहते हैं जो भी है निकाल दे, और उसके बाद जो है जो काउंटर है उसको फांद कर एक व्यक्ति जो है तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन जो है तब तक जो है आसपास के लोगों को दुकानदारों को पता लग जाता है, शोर शराबा होता है तो दोनों जो है मौके से फरार हो जाते हैं। जी मौके से जो है दोनों जो लोग थे दुकान को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं, और जो उनका साथी तीसरा साथी जो बाइक लेकर बाहर खड़ा था वह भी उनकी बाइक पर बैठकर तीनों जो है वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जो है गोहाना सिटी पुलिस को बुलाया गया है और पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और छानबीन करते हुए सामने नजर आ रही है। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह तस्वीरें पहुंचे कि गोहाना की पुरानी अनाज मंडी में बने आर रतन ज्वेलर्स की दुकान में जो है 3 नकाबपोशों के द्वारा लूट करने की कोशिश नाकाम हुई है। उनके द्वारा लूट करने की कोशिश की गई थी और पिस्तौल के बल पर जो है इस लूट को अंजाम देने का काम किया जाना था, लेकिन जो है दुकानदार और आसपास के दुकानदारों की समझदारी के चलते जो है ये तीनों जो लुटेरे थे मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें देखते हैं, आर रतन ज्वेलर्स है जो कि पुरानी अनाज मंडी की तस्वीर है, और देख सकते हैं ये सीसीटीवी भी सामने आई है। ये बाइक पर जो है तीनों लुटेरे जो आते हैं और जो है मुंह पे नकाब पोश तीनों हैं और 2 व्यक्ति जो अंदर घुसते हुए आपको सामने नजर आ रहे होंगे, और उनका एक साथी जो है बाइक पर बाहर रह जाता है, और देख सकते हैं जैसे ही ये अंदर घुसते हैं घुसने के बाद जो है किस तरह की कार्रवाई करते हैं आप सामने इन तस्वीरों से जान सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन जो लुटेरे हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
दो तीन आदमी थे, एक तो बाहर बाइक लेके खड़ा था और दो अंदर आए हुए थे, बेटा दिखाने लग रहा था तो उसको आगे बोले दिखाओ रिंग दिखाओ, तो इसने ये कहा कि रिंग हमारे पास है नहीं, तो फिर उन्होंने कहा और ये दिखाओ दिखाओ, तो ये ग्राहक दूसरे ग्राहक थे ना उनको अटेंड कर रहा था, फिर वो ये कूद के यहाँ तिजोरी की तरफ आ गया, फिर बाहर पड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए तो रिवाल्वर दिखा के भाग गए सर। हाँ बचाव रहेगा, नुकसान चेहरा ढका हुआ था, मास्क लगाए हुए थे तीन लोग, एक रुमाल बांध रखा था और एक मास्क लगा रखा था, दो रिवाल्वर लेके आए थे, हथियार थे दोनों जाते, पीछा नहीं किया वो भाग गए यहाँ से, हाँ पड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए ना शोर मचाया तो भाग गया, बाइक पे पुलिस को बुला लिया, हाँ पुलिस को 112 नंबर पे डाल किया, पुलिस आई हुई है, सारा रिकॉर्ड है। बाजारी मोहल्ले में है लड़की वाले स्कूल के पास, दिन में 3:15 के करीब वो आए हैं बदमाश, अंदर सामान दिखाने के बारे में सामान देखे है यहाँ का, सामान दिखाओ क्या है, इनकी अंगूठी दिखाओ, इनकी अंगूठी हमारे पास नहीं है भाई, फिर वो बंदूक निकालने बोले यहाँ चुपचाप बैठ जाए, जो भी तेरे पास सामान है सारा निकाल दे, हमारी की तरफ भाग के गए हैं, अंगारी पर जा रहा हूँ, और फिर हमारा भाई आ गया बाहर गेट बाहर, उसने आवाज मारी है, फिर वो उतर कर भाग गए हैं, तीन जने थे, तीन जने दो जने अंदर दुकान में घुस रहे थे, एक बाइक ले बाहर गया, तो कुछ ले जाने में वहाँ ले जाने में कुछ कामयाब नहीं हुए, पिस्तौल में रहते हुए निकल गए, धमकी देकर मैं गोली मार देंगे, पड़ोसी को पिस्तौल दिखाई, पड़ोसी तो आए बाहर निकाल गए, सामान लेने के बाद हाँ जी, इसमें ये है कि तीन लड़के आते हैं बाइक पे, दो लड़के अंदर आते हैं और जो लड़का है इस दुकान में उसको बोलते हैं कि आपके पास डायमंड की वो भी है रिंग वगैरह वो दिखाओ, इतने में ये बोलता है कि ये पड़ी है सामने ये देखिए, तो एक लड़का पिस्टल निकालता है, इतने में दूसरा लड़का पिस्टल निकालता है, तो जैसे ही दूसरा लड़का तिजोरी के पास जाता है तो जो लड़का रहता है उसका फादर आ जाता है, तो दोनों लड़के भाग जाते हैं दुकान से, और जो इनका तीसरा साथी है वो बाइक पे बाहर है जो होता है, वो तीनों बैठकर और मौके से भाग गए, चोरी का प्रयास करने थे लेकिन चोरी नहीं हो पाई, तो इसमें मुकदमा दर्ज करके इनकी चोरों की जल्द तलाश करके उनकी गिरफ्तारी करी। सीसीटीवी सामने, हाँ सीसीटीवी फुटेज सामने, क्योंकि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।